जिस वक्त रामा देवी जी के गाड़ी से उस लड़का का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त से और उसको अस्पताल पहुंचाने तक ही भाई मेरे उस समय वहां पे उनके साथ मौजूद थे। आइए घटना के बाद क्या क्या हुआ था, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या आसानी के साथ अस्पताल पहुंच गया, उस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ जब घटना हो गया, उसके बाद क्या क्या हुआ? वहाँ पर आदमी सब था, बारिश होने लगा, कोई बचाने वाला नहीं था, पूरा खूने खून था, गाड़ी भी रुक नहीं रहा था, बारिश होने लगा। उसके बाद आधा घंटा तक फोन किया गया इसमें पिपराड़ी हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस गेबे नहीं किया। अच्छा। इसके बाद एक टेम्पू लाया, टेम्पू को हम लोग वहाँ टेम्पू से उस लड़का को लाद कर अकेले हम लोग आए। अच्छा, यहाँ से कितना दूर घटना? बस 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर आधा घंटा में एम्बुलेंस नहीं जा पाया? बहुत 5 मिनट। एम्बुलेंस क्यों नहीं गया? एम्बुलेंस यहाँ पर था, हम आए तो एम्बुलेंस लगा हुआ था, एम्बुलेंस लगा हुआ था और एम्बुलेंस का हालत देखिए कि गाड़ी पंचर है। थोड़ा देखते हैं। अब जरा बताइए कि ये एम्बुलेंस मरीज को लाने कैसे जाएगा जो खुद बीमार है? इसका काम बीमारों को लाद करके अस्पताल में पहुंचाना है, और जो गाड़ी खुद बीमार है, साइकिल हटाइए, ये गड़िया जब खुद बीमार है तो बीमार लोगों को अस्पताल में कैसे पहुंचाएगा? सबसे बड़ी सच्चाई है। अब पता नहीं आज से बीमार है कि कुछ दिन पहले से बीमार एम्बुलेंस पड़ा है, जरा सोचिए बिहार में यही सब चल रहा है। जिसको बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना है वो खुद बीमार पड़ा है, और यहाँ के डॉक्टर भी बीमार है, यहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर भी बीमार है, यहाँ का स्ट्रेचर भी बीमार है, और यहाँ का बेड भी बीमार है, और सबसे ज़्यादा बीमार शिवहर संसदीय क्षेत्र की रामा देवी बीमार है। जरा सोचिए यदि उनका दिमागी हालत ठीक होता तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का काम करते, लेकिन नहीं पहुंचा है, इससे क्या साबित होता है चाचा? उसका तबीयत तो ठीक था? किसका? रामा देवी का। एकदम ठीक था, बहन जो भागा किस लिए? ठीक ही था तभी ना भागा वो। हाँ, क्या बता रहे हैं? पागल हो गया है, भाग गया, पागल हो गया, भाग गया। यानी कि कुल मिलाकर के बिहार की कोई भी स्थिति ठीक नहीं है। जब एम्बुलेंस का स्थिति है, बताइए इस एम्बुलेंस के कारण हर दिन बिहार में सैकड़ों लोगों का जान जाता है केवल एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने से। और इस एम्बुलेंस में अंदर भी, अंदर तो मैं नहीं घुसूंगा, बंद है, लेकिन अंदर का व्यवस्था भी शायद पूरा का पूरा बीमार है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार बीमार पड़ा है, और ऐसे में किस किस बीमारी का इलाज किया जाए ये बात हम लोग अभी समझ में नहीं आता है। एम्बुलेंस का कंडीशन थोड़ा आगे से दिखाइए। इस एम्बुलेंस में नंबर प्लेट तक नहीं है। अब जरा सोचिए, इस एम्बुलेंस में नंबर प्लेट नहीं है, केवल एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ऐसे तो हम भी अपने गाड़ी पर एम्बुलेंस का लिखवा करके चला सकते हैं, यही सच्चाई बिहार में चला। जब आम पब्लिक के गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं हो तो नगर परिषद के अधिकारी, न जाने कौन कौन से अधिकारी फाइन मार देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले फाइन मार देते हैं। ए पर फाइन कौन मारेगा भैया? हिम्मत है किसी को इस पे फाइन मार के दिखा दे? नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। आपके गड़िया पर नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो प्रशासन का तुरंत फाइन मारेगा, 1000 का चालान मारेगा, बोलेगा। अच्छा, खाली फाइन मारता है, कुछ करता है? डंडा भी मारता है। काला रोल पकड़ के पैसा नहीं लेता है? बिल्कुल बिल्कुल, 200-400 कम दीजिएगा तो छोड़ देता है। सही बात है, सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है। जरा सोचिए बिहार का व्यवस्था किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। एम्बुलेंस की सच्चाई थोड़ा आगे यहाँ आइए और दिखाइए एम्बुलेंस। बताए ना आपको कि अंदर का एम्बुलेंस भी बीमार पड़ा जा रहा, दिखाइए वहाँ पे। ये एम्बुलेंस पूर्ण रूप से बीमारी से ग्रसित, और इसके लिए दोषी कौन है? यहाँ के प्रभारी और यहाँ के सिविल सर्जन महोदय हैं, उनका सबसे बड़ा गलती है। ये लोग का जो अपना गाड़ी होता है ना, बिल्कुल टकाटक, बिल्कुल टकाटक। जरा आइए इधर, जरा इधर आइए, इधर आइए, दिखाने का प्रयास करते हैं। और प्रभारी लोगों का जो गाड़ी होता है ना, अधिकारियों को जो गाड़ी होता है, बिल्कुल टकाटक। लेकिन जिस गाड़ी को टकाटक होना चाहिए, गाड़ी फटाफट होके रह गया है और कुल मिलाकर के बीमार पड़ा। ऐसे में जरा सोचिए कि बिहार में किस किस बीमारी का इलाज किया जाए। नेताओं के बीमारी का इलाज किया जाए, एम्बुलेंस के बीमारी का इलाज किया जाए, आम पब्लिक के बीमारी का इलाज किया जाए, कि यहाँ के अधिकारियों के बीमारी का इलाज किया जाए। किस किस बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ से लाया जाए, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती है। आगे क्या कुछ सच्चाई आती है? यहाँ जो डॉक्टर इलाज किए थे उस लड़का का, लोगों का कहना है कि उस समय ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं था, लेकिन ये लोग तो अब कह रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी उपलब्ध था। क्या सच्चाई? हाँ बताइए। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ये अधिकारी झूठ बोल रहा है। जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। सब मिली सरकार, कुछ था व्यवस्था था ही नहीं, कहते व्यवस्था है। अगर व्यवस्था रहता था, मतलब बच्चा सर बचता नहीं, मर क्यों गया सर? मेरे बच्चा जा जाते मर गया सर, इतना उसको ब्लडिंग हो रहा था सर। अभी देखिए ना व्यवस्था, यदि यहाँ है तो वो कुत्ता काट लिया है तो उसको पटना क्यों भेज रहा है, मुजफ्फरपुर क्यों भेज रहा है, ये देखिए ना। और रामा देवी जी को कुत्ता काट लेता, यहाँ का सिविल सर्जन कुत्ता का सुई लेकर उनके घर पहुँच जाएगा। रामा देवी को कुत्ता काटे, सांप काटे, तो यहाँ का सिविल सर्जन खुद डॉक्टर को लेकर के और उसका सुइया लेकर उनके घरे पहुँचेगा। और जब आम पब्लिक को कुत्ता काटेगा तो सुई लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पटना, पटना मुजफ्फरपुर। कहाँ भेज रहे थे? पटना मुजफ्फरपुर। और ये कहीं ना कहीं बिहार के पूरी भ्रष्ट सिस्टम की नाकामी साबित करती है, और उन्हीं नाकामी साबितों में सबसे बड़ा उदाहरण ये बीमार एम्बुलेंस और यहाँ के बीमार डॉक्टर और स्ट्रेचर और बेड है। क्या बात कर लेता है, झूठ बोलकर जीत लेता है, लोग पैसे के बदौलत वोट खरीद लेता है, अपने आप को नेता कहलाता है, पैसा का बदौलत नहीं होता, बिल्कुल पैसा का बदौलत होता है ये सब। आप लोग वोट नहीं देते हैं? वैसे भ्रष्ट लोग का कौन देगा वोट?
नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे, पक्का। कसम खाइए वीडियो में, बिल्कुल कसम से कह रहे हैं। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, पक्का पक्का। घर परिवार का लोग? कोई नहीं, पक्का पक्का। देखते हैं क्या सच्चाई, आगे क्या कुछ अपडेट थी उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।